गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। टिश्यू पढ़ के हम लोग थोड़ा सा समय हो गया था, थोड़ी उससे बोरियत लग रही थी, तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिससे आजकल पूरी दुनिया ग्रसित भी है। और ये पूरा टॉपिक आज आपको एकदम स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में जाने वाला है अगर आप सहूलियत से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी को बनाए रखिए और थोड़ा सा तेज कर लीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। रात के 9 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर ऑफिस में हूँ, लाइव स्टूडियो से हूँ और मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वायरस। वायरस मतलब विषाणु। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पढ़ेंगे कि वायरस के लक्षण क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपयोग कैसे आता है। और ये आप जान रहे हैं कि ये जो 10 मिनट की सीरीज है जिसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल दैट द कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण से वायरस के लक्षण को देखते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज के जो जैसे घर में हम लोगों को कहा जाता था ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो इसी वायरस के पांव को पालने में देखने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा। चलिए जानते हैं क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे से होते हैं, अविकल्प परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। मतलब कुछ वायरस जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्यों होते हैं, क्योंकि उनको बॉडी चाहिए होती है, दूसरा एक अदर बॉडी चाहिए होती है अपने आप को जिंदा रहने के लिए। अकोशिकीय तथा अकोशिकीय मतलब नॉन सेलुलर और विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, कोशिकाएं नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है वायरस किससे बने होते हैं, आपका आंसर होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर वायरस का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगी है, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए जरा, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर, इनको जिंदा रहने के लिए किसी एक जीवित परपोषी की आवश्यकता पड़ती है, उसमें रहकर प्रजनन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का एक चेन होती है, सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या होती है, कड़ी है। कैसे, ये आप आगे जानेंगे, ठीक। विषाणुओं में सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, जैसे जो जैसे ये कहा गया ना कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक चेन है वायरस, तो उसमें ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम इनको सजीव कहते हैं। तो कौन से लक्षण होते हैं, इसमें जेनेटिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जेनेटिकल सब्सटेंस मतलब अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, या तो इसमें आरएनए होगा या तो इसमें डीएनए होगा, कंफर्म्ड है। जैसे इसमें कोरोना वायरस जो चल रहा है वो आरएनए बेस्ड वो है वायरस है, आरएनए या डीएनए की उपस्थिति होगी। दूसरा, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन में ही अपने आप को बढ़ाते हैं, यानी बहुत तेजी से इनका संख्या बढ़ती है, अपने आप को बहुत तेजी से क्या करते हैं, सेल डिवीजन क्योंकि बहुत तेज होता है तो अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसके कारण हम इनको कहते हैं नॉन लिविंग एंड निर्जीव है। जीव द्रव और कोशिका अंगों का अभाव होता है, साइटोप्लाज्म और जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते। अनेक जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि भी नहीं होती, रेस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सर्शन नहीं होता, इसके कारण भी कहा जाता है कि निर्जीव है। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जैसा आप सुन रहे होंगे इस वक्त की कोई लोग कहते हैं COVID-19 है, कोरोना वायरस चीन का मैन मेड वायरस है, तो उसके क्रिस्टल बनाए भी जा सकते हैं, इसलिए इनको निर्जीव भी कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट इसका है, गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर ही होता है, मतलब अगर ये केवल खुद में हो तो इनका इसमें कोई सेल डिविजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सेल डिविजन ये अपने आप को बढ़ाते कब है, जब इनको एक बॉडी मिलती है, और उस बॉडी में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए, मतलब उसमें सेल डिवीजन होना चाहिए। प्लास्टिक स्टील में इसमें अगर ये जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये कुछ इनके ऐसे लक्षण थे जिसके आधार पर वी कैन से दैट इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट ड्यू टू दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के आधार पर हम कहते हैं कि दिस इज द लिविंग थिंग्स। सो वी कैन अल्टीमेटली से दैट व्हाट, कि वायरस इज द चेन अमंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गन्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे की, इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की, ठीक। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसकी संरचना की बात करता हूं तो इसकी संरचना को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी संरचना पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई इसकी संरचना को देखते हैं, समझना। इसकी संरचना को देखने से पहले जरा आप एक पॉइंट समझिए और देखिए, ठीक है। वो पॉइंट ये है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे,
इसमें ये जो पार्ट होता है ये होता है प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का। जरा गौर से समझना, ये जो पार्ट होता है ये प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, इसको हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। और ये घेरता है न्यूक्लिक एसिड को, यानी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन वाला पार्ट घेर लेता है। ये भाग होता है प्रोटीन की परत। किसकी परत होती है? प्रोटीन की। और प्रोटीन की परत के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये होता है न्यूक्लिक एसिड, और इसी को कहते हैं डीएनए। या तो इसमें डीएनए होगा या फिर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड आरएनए होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड बेस्ड आरएनए होगा। दो में से एक चीज होगी ही होगी, बेस्ड आरएनए होता है। ठीक है, या तो डीएनए होगा या न्यूक्लिक एसिड बेस्ड क्या होगा, आरएनए। ये इसकी नेक होती है। नेक के बाद ये जो पार्ट होता है ये इसकी टेल शीट होती है। टेल मतलब पूछ कह सकते हो, पुछ कह सकते हो। तो ये इसका पुछ वाला भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो इसमें इसको पैर टाइप आपको दिख रहे हैं, पैर टाइप, ये जो पैर दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स। इन्हीं पैरों के आधार पर ये बॉडी पर अपने आप को चिपकाते हैं, विसूचिका बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? विसूचिका। ठीक है, बॉडी पर ये चिपकते हैं, बॉडी के थ्रू एक दूसरे से इंफेक्टेड करते हैं। कैसे? ये इन्हीं टेल फाइबर्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर था वायरस का। देखो, अब ये जो बाहर वाला प्रोटीन की लेयर होती है ना, इस प्रोटीन की लेयर को बोला जाता है कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ऐसी कई सारी प्रोटीन की लेयर्स होती हैं, और उस प्रोटीन की कई सारी लेयर को बोलते हैं कैप्समोर। क्या बोलते हैं? कैप्समोर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैप्समोर। जरा इसी बात को पढ़ते हैं। वायरस संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन का आवरण होगा, प्रोटीन की कवरिंग होगी, और बीच में क्या गिरा होगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या गिरा होगा? न्यूक्लिक एसिड। या तो डीएनए कहा जाएगा या न्यूक्लिक एसिड बेस्ड आरएनए होता है। ठीक है, बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत सारी प्रोटीन इकाइयां होती है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्समोर। जरा देखो, आपको इससे भी इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखता है ना कि जैसे अगर ये कोरोना वायरस होता तो उसमें बहुत सारी ऐसी इकाइयां दिखती हैं। ये सारी जो प्रोटीन इकाइयां दिखती नहीं, ये सारी की सारी इकाइयां जो होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कैप्समोर। क्या बोलते हैं? कैप्समोर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैप्समोर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा देखो, कैप्समोर होती है। पूरे कण को, जो पूरा कण होता है इसको विरियोन कहते हैं। मतलब कि जो पूरा कण होता है इसको विरियोन कहते हैं। कहने का मतलब, ये जो पूरा पार्ट एक तैयार हुआ है, ये जो पूरा पार्ट तैयार हुआ है, इसी पूरे पार्ट को कहा जाएगा विरियोन। क्या कहा जाएगा? विरियोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा याद रखिएगा। पूरे पार्ट को, पूरे कण को विरियोन कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ठीक है, विरियोन कहते हैं। उसके बाद अगर आकार की बात की जाए तो जो वायरस के जो आकार होते हैं 10 to 500 माइक्रोन के होते हैं, मिली माइक्रोन के होते हैं। ठीक है, कितने? 10 to 500 मिली माइक्रोन के होते हैं। विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए में से कोई एक होता है, यही बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड विरियोन का 6% भाग होता है, यानी ये जो अंदर न्यूक्लिक एसिड इसके भरा था, जो प्रोटीन की आवरण के अंदर था, ये पूरे कण का, क्या है? सिर्फ 6% भाग है। और ये जो प्रोटीन का आवरण है, बाकी बचा 94% ये वाला पार्ट होता है। क्लियर, 94% ये पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये चीजें दिख रही ना, स्टॉप मत करना। हाँ ठीक है, अच्छा ग्रीन वाला नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। देखो, तो ये जो पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड, ये 6% होता है, और बाकी जो होता है वो होता है 94%। जैसे ये पूरा कण है, विरियोन कहलाया, तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड भरा है अंदर, वो सिर्फ 6% होगा, और बाकी वाला पार्ट होगा 94%। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। कहता है प्रोटीन का कवच, हाँ वही 94% होता है। प्रोटीन का कवच अक्सर एक पतली पूंछ के रूप में काम करता है, तो ये जो प्रोटीन का कवच है ना, ये भी एक पतली पूंछ के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पुक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखो, प्रकार की बात करते हैं। इनकी पैरासाइटिकल नेचर के अकॉर्डिंग, परपोषी प्रकृति के अकॉर्डिंग, इसको बांटा गया है तीन चीजों में, तीन भागों में। पहला होता है प्लांट वायरस, पौधे को हानि पहुंचाने वाले वायरस। क्या होता है? इनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। मतलब जितने भी प्लांट वायरस होंगे उसमें जो प्रोटीन की कवरिंग के अंदर जो बेस होगा वो आरएनए होगा। क्या होगा? आरएनए। इसमें जैसे क्या होता है, टीएमवी यानी कि टोबैको का मोजैक रोग होता है। ठीक है, येलो मोजैक रोग, इसको वाईएमवी भी बोलते हैं, वाईएमवी, येलो मोजैक वायरस। ठीक,
दूसरा आता है जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस, ध्यान से समझना, ये डीएनए बेस्ड होता है या कभी कभी ये आरएनए बेस्ड भी होता है। जंतु विषाणु यानी जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, या फिर जो आने वाला वायरस है जिसकी एक घंटी वहां पे बजी, कहां पर, चाइना में, G4EAH1N1, ठीक है, ये क्या होता है, ये तो डीएनए बेस्ड होंगे या आरएनए बेस्ड, दोनों में एक ही होगा, होगा जरूर, ठीक है, चाहे वो डीएनए बेस्ड हो चाहे आरएनए बेस्ड हो, ये प्रायः गोल होते हैं। आपने देखा ना कोरोना वायरस की जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, बाहर प्रोटीन की क्या होती है, लेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस, मम्स का वायरस आदि, ये इसमें आप ये लिख सकते हो कोविड-19 भी, ठीक है, कोविड-19 भी, यानी कि कोरोना। थर्ड है बैक्टीरियोफेजेस, ये जीवाणु भोजी क्या होते हैं, जीवाणु भोजी का मतलब होता है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को खाने वाले होते हैं। ये वायरस कैसे होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस वायरस होते हैं जो कि जीवाणुओं को खाते हैं, ठीक है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको खा जाते हैं, इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है, पहले वाले में सिर्फ आरएनए, बीच वाले में यानी जंतु विषाणु में आरएनए या डीएनए में से कुछ एक, और बैक्टीरियोफेजेस में सिर्फ डीएनए, क्लियर, ये इनके प्रकार होते हैं। आगे बढ़े, जरा देखिए अब इनके यूज क्या होते हैं। जैसे ही हम लोग वायरस की बात करते हैं दिमाग में एक भयावह तस्वीर बनती है, अरे यार वायरस है शरीर के लिए हार्मफुल होगा, बट सम काइंड ऑफ वायरस इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, कुछ वायरस ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, और उसमें पहला प्रकार है साइनोफेज का, ये ध्यान रखना, साइनोफेज, साइनोफेज एक ऐसा वायरस होता है जितने भी अवांछित नील हरित शैवाल होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको खाकर खत्म करता है, नील हरित शैवाल उनको खाकर खत्म करता है, यानी साइनोबैक्टीरिया को खाकर खत्म करता है, कौन सा, साइनोफेज वायरस, ठीक। दूसरा इसमें आता है, साफ करने में किया जाता है, दूसरा आता है इसमें बैक्टीरियोफेज, क्या आता है, बैक्टीरियोफेज, याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज का प्रयोग क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दीज आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ दिस लेसन, ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, इस बैक्टीरियोफेज को, जो तीसरा था ये वाला पार्ट जो था, ये बैक्टीरियोफेज को इनके नेचर के अकॉर्डिंग दो और पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या आता है, पहला है वायरॉइड्स, क्या है, वायरॉइड्स, ध्यान से समझना, डीएनआर और रेमर ने 1967 में इसकी खोज की थी। ये हाईली इंफेक्टेड वायरस है, ये वायरस का ही एक प्रकार है लेकिन हाईली इंफेक्टेड वायरस है, यानी अत्यधिक साधारण संक्रामक कारणों को, इसके कारकों को यानी कॉजेस को खोजा गया था, किसने, डीएनआर और रेमर ने, कब, 1967 यानी 1967 में। आगे बढ़े और इसको नाम क्या दिया, वायराइड्स। कभी कभी क्वेश्चन आता है वायराइड्स नाम किसने दिया, तो आपका जवाब होगा डीएनआर और रेमर ने 1967 में। देखो वायराइड्स छोटे आरएनए खंड के होते हैं, कभी पूछा जाए कि वायराइड्स का जो बेस होता है, जो इसमें अंदर चीज होती है, तो आप बताएंगे ये आरएनए बेस्ड वायरस का एक प्रकार है, ठीक है, आरएनए बेस्ड है, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, इसमें बाहर जो प्रोटीन का जो कवरिंग होती है जैसे एक नॉर्मल वायरस में होती है वो इसमें नहीं होती। और लास्ट है प्रियॉन, प्रियॉन की खोज की थी स्टैनले प्रूसिनर ने, कब की थी, 1997 में, और फॉर दिस इन्वेंशन इनको उसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड का प्रभाव पाया जाता है, जो अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है वो नहीं, प्रोटीन की कवरिंग मिलेगी लेकिन न्यूक्लिक एसिड का अभाव मिलेगा, यानी प्रोटीन तो होगा लेकिन न्यूक्लिक एसिड पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आई, बोलो हाँ है ना। अब ये वायरस का डायग्राम था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलो तो इस उम्मीद के साथ कि ये वाली क्लास भी आपको समझ आई होगी, पूरी तरीके से पसंद आई होगी, वायरस पूरा आपको समझ आ गया होगा, एक बार रिवीजन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इस वायरस के अगले लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बाहर कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।